अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? से एक बड़ा अच्छा बैग मौसूल हुआ आज, और उसकी वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम वीडियो ना बनाएं तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा और मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा शेयर भी हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो ये टैक्टिकल सिक्स एक ब्रांडेड कंपनी है और उसका बैग है जो कि ख़रीदा गया है एयर 15 के लिए, लेकिन इसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि इसको आप किसी भी चीज़ के लिए, मिसाल के तौर पे एके के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो ने कहा जी इसकी एक छोटी सी वीडियो भी बना लेते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है, क्योंकि है ये ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, इंपोर्टेड है, और इंपोर्टेड चीज़ आपको पता है ज़रा शशका ज़्यादा होता है। तो आपको ज़रा खोल के दिखा देते हैं और थोड़ा सा हमारा शौक भी पूरा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा सा इस चीज़ का शौक हो जाएगा। तो जनाब आपके सामने इसको मैं खोल लेता हूँ, बस इसे खोल के दिखा देना चाहिए था, लेकिन चले दो मिनट एक्स्ट्रा आप मुझे बर्दाश्त कर लें। वाह जी वाह, पहले तो इसको हम सामने वाली साइड से देखें तो इसमें दो अदद बड़े खूबसूरत पॉकेट्स लगे हुए हैं, एक ही आउटर पॉकेट है, वाह, और अंदर से पैडेड भी है, और एक इस साइड पे है। अच्छा ये एक ही चीज़ है भाई और उसके बाद इसकी एक अदद पॉकेट ये है, वाह 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 वाह। अच्छा ये पॉकेट जब खोल लेते हैं तो इसमें मैगजीन्स आ जाती हैं, दैट्स वेरी गुड। अभी इसको देख लेते हैं जनाब कि अच्छा ये तो आ गई इधर, ये दूसरी थोड़ी टाइट है भाई। अच्छा जी ठीक है जी, कद और ट्राई कर लेते हैं, इसकी विड्थ मुझे थोड़ी सी कम, अच्छा जी ठीक है, इलास्टिक है तो कर जाएगा। सो बेसिकली छः मैगजीन्स आ जाते हैं और ये एक छोटी सी आपको पॉकेट नज़र आ रही है जिसमें मेरे ख्याल में कोई डॉक्यूमेंटेशन या ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं। गुड यार, इम्प्रेसिव। और एक पॉकेट ये यहाँ पे बाहर है जिसको आप खोलें तो इसके अंदर पिस्टल या कोई ऐसी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोर पॉकेट्स, और यहाँ पे गालबन कोई पेन या कोई चीज़ रख सकते हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी की जिप्स हैं और ये कंपनी का नाम है टैक्सिक्स एलन, क्या बात है भाई कंपनी वालों की। अच्छा जी, और अभी हम आते हैं इसकी एक ये ऊपर वेलक्रो से इसका ये लगा हुआ है, कैरिंग का हैंडल्स है, और जब इसकी मेन हम जिप खोलते हैं तो जनाब, अच्छा इस साइड पे भी कैरिंग का एक हैंडल सा बना हुआ है और वो भी वेलक्रो से लॉक्ड होता है। तो आप ये देखिए कि ये पूरा खुल जाता है, वाह जी वाह। अभी इसके अंदर एक और पॉकेट है, पॉकेट में पॉकेट, क्या बात है जी, और ये भी पैडेड है और इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। और अभी हम इसमें एयर 15 रख के देखते हैं कि हाँ जी गुड, इसकी लेंथ इन्होंने कही हुई है 38 इंच है, लेकिन एक और बात है, मैं दोबारा इसको पढ़ लूँ कि इसकी लेंथ 4.5 इंचेस इसकी हाइट है और 13 इंचेस इसकी विड्थ है, और लेंथ इसकी जनाब 36 इंचेस मुख्तलिफ वो लिखी हुई है बैरल। इसका मतलब है कि स्टॉक को ये रिट्रैक्टेबल स्टॉक को आप बंद करके इसमें बड़े आराम से कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वेलक्रो के साथ यूं करके इसको आप होल्ड कर लें। मेरे ख्याल में प्रॉपर गियर होना बहुत ज़रूरी है और ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि आपने रेंज पे ले जाना हो या वैसे करना हो तो आप इसे ये देखें पूरा बंद करके और इसको ले जा सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो मुझे इसमें एक और भी पसंद आई कि दूसरी साइड पर जब आप आ जाते हैं तो उस पर भी छोटी मोटी पॉकेट्स भी हैं, और प्लस ये बैक पे कैरी करने के लिए भी है, हार्नेस टाइप, ज़बरदस्त। सो दैट मीन्स आप इसको एज अ बैकपैक अपनी बैक पे कवर करके और इसको ले जा सकते हैं। तो मेरे भाई छोटी सी वीडियो थी, है ये थोड़ा महंगा क्योंकि ये आया तकरीबन 42,000 का है, मे बी कोई लोकल सॉल्यूशंस अगर हो इतने अच्छे, लेकिन अंदर से ये पैडेड है, ऊपर से भी पैडेड है। सो दैट मीन्स कि अगर आपके वेपन मैगजीन्स अंदर जो आपके राइफल है और सारी चीज़ें वो बड़ी महफूज रहेंगी, और सारा पॉलिएस्टर का बना हुआ है, मुझे बड़ा चीज़ अच्छी लगी जी, ज़बरदस्त। तो ये मेरे भाई छोटी सी वीडियो शेयर करनी थी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम को और चीज़
आपके साथ शेयर करेंगे। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।